मैग्नेटिज्म का कनेक्शन पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है, ठीक है। सबको पता है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं कि फिजिक्स तुम लोग का रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट है कॉम्पिटिशन वालों के लिए, और बोर्ड्स वालों के लिए अगर परसेंटेज कोई ख़राब करता है तो फिजिक्स ही है। बाकी हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, गुजराती, इसमें तुम लोग का अच्छा स्कोर रहेगा। बस ये फिजिक्स है, इसको थोड़ा पकड़ लो। और क्लास 12 का फिजिक्स 11 के मुकाबले बार बार बोलते जा रहे हैं आसान है, हल्का सा ध्यान दो कि वो चीज़ जो 11 में हुआ 12 में नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, स्टार्टिंग से पकड़ते बेसिक से। मैग्नेटिज्म का कनेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है, लेकिन हाँ, जो भी चीज़ बताएंगे बेसिक से बताएंगे, ए टू जेड। चाहे कुछ नहीं आता हो तो भी समझ में आएगा, और कुछ आता है फिर तो बहुत अच्छा बात है, क्लियर है। अब देखो, पहला टॉपिक क्या है, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म वर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं तो दिमाग में बोलते ही क्या आ जाता है हम लोग के, मैग्नेट, ठीक है। तो बोर्ड्स में जो पूछेगा तुम्हारे यहाँ से डेफिनेशन वाइज, वो सिंपल ये पूछेगा कि मैग्नेटिज्म का डेफिनेशन क्या है। तो फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ईटीसी इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है, जब आपस में दूसरे को अट्रैक्ट करने का क्या रखता है, प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पर वर्ड अट्रैक्ट किया है, ठीक है, क्योंकि सब्सटेंस के साथ बात कर रहा है। जनरली मैग्नेट अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। तो इसका मतलब क्या, ऐसा खास बात है कि मैग्नेटिक सब्सटेंस के साथ वर्ड यूज़ किया अट्रैक्शन, रिपल्सन वर्ड यूज़ क्यों नहीं किया, ये हम लोग देखेंगे आगे चल के। अभी जैसे कि तुम लोग को पता है, दो पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करता है, रिपल्सन, दो नेगेटिव भी क्या करता है, रिपल्सन, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है, अट्रैक्शन। अच्छा, एक बात और याद होगा तुमको, क्लास 12 का पहला चैप्टर जब पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहाँ एक वर्ड यूज़ किया तुम लोग क्या, कि रिपल्सन और अट्रैक्शन में श्योर टेस्ट कौन है, याद है ना, क्यों, क्योंकि इंडक्शन में भी हम देखे थे अट्रैक्शन हो रहा था। इंडक्शन टॉपिक याद होगा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, हल्का सा बोलते। सपोज हम यहाँ पे खड़े हैं और हम पॉजिटिव चार्ज है, हम क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और मेरे सामने एक बॉडी है जो न्यूट्रल है। तो अब न्यूट्रल बॉडी साथ क्या, न्यूट्रल के साथ अट्रैक्शन भी नहीं होगा, रिपल्सन भी नहीं, ऐसा सोच रहे हैं। अगर सामने वाला बॉडी न्यूट्रल होने की जगह हम पॉजिटिव है, वो निगेटिव होता तो क्या होता, अट्रैक्शन होता। अब न्यूट्रल है पूछे अब क्या होगा, तो मैक्सिमम बच्चा बोलेगा कुछ नहीं होगा, कुछ तो बोले रिपल्सन, कुछ तो बोले अट्रैक्शन। लेकिन न्यूट्रल बॉडी के साथ भी मेरा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। वो बॉडी न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज नहीं है। देखो, दिखाते हैं इस चीज़ को, बोलने के बजाय लिख के समझाते हैं। देखो, सपोज कर लो कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज किसी निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये समझ में आता है बात हम लोग को, कोई दिक्कत है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूट्रल बॉडी के साथ क्या बिहेवियर करेगा। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता है कि उसके अंदर चार्ज नहीं है, नेट चार्ज नहीं है। न्यूट्रल का मतलब होता है जितना नेगेटिव है उतना ही क्या है, उतना ही क्या है, पॉजिटिव है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे तीन नेगेटिव कर दिए, तीन क्या कर दिए, पॉजिटिव कर दिए। जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो वो जो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल फॉर्म में है, नेगेटिव को अपनी तरफ बुलाएगा, पॉजिटिव को, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को अपने पास भी बुलाएगा और पॉजिटिव को दूर भी भगाएगा। तो फाइनल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, इस बॉडी का, अब वो कुछ ऐसा दिखेगा, पोलराइज्ड फॉर्म है ना, वो पोलराइज्ड हो जाएगा, सारा पॉजिटिव एक पोल पे और सारा नेगेटिव एक पोल पे हो गया, क्लियर है। अब चूंकि नेगेटिव इसके करीब है तो इससे क्या होने लगेगा, इसको अट्रैक्शन। इसीलिए हम बोलते हैं क्या कि रिपल्सन श्योर टेस्ट है, क्योंकि अट्रैक्शन नेगेटिव के साथ भी हो सकता है और न्यूट्रल के साथ भी हो सकता है। अब कोई अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं कि यहाँ पे कौन सा चार्ज है, और जानते ही प्लस है, तो फट से क्या बोलेगा, नेगेटिव चार्ज है, जबकि नेगेटिव चार्ज नहीं है, है ना। तो इंडक्शन से भी क्या होता है, इंडक्शन से भी क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अभी इसलिए यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है ना, यहाँ पे ये जो वर्ड यूज़ कर रहा है कि अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस, क्योंकि मैग्नेटिक सब्सटेंस में इंडक्शन होता है, इंडक्शन में क्या होता है, अट्रैक्शन, जो आगे हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं। तो सिंपल इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में और मैग्नेट के बारे में। टॉप चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिज्म। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, सन्नाटा में एकदम तीर भाज दिया, कौन था, सही है, आ जाओ। अब देखो मैग्नेट, मैग्नेट हम लोग बहुत दिन से सुनते चले आ रहे हैं कि मैग्नेट दो तरह का होता है, एक आर्टिफिशियल और एक। फिलहाल अ बॉडी पोजेसिंग देयर प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेट। एक बॉडी जिसके पास मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी हो, सो क्या बोलते हैं। अब ये मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी क्या है ये समझेंगे, मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी क्या है। तो मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी बहुत सारा है, जैसे चार्ज का प्रॉपर्टी था ना, याद आया ना, चार्ज का कितना सारा प्रॉपर्टी था, उसी तरह से मैग्नेटिज्म का भी क्या होगा, बहुत सारा प्रॉपर्टी। जैसे पहला प्रॉपर्टी, सबसे फर्स्ट, कि मैग्नेट के पास दो पोल होता है, क्या होता है, दो पोल होता है, जिसका मतलब ये हो गया कि मैग्नेट में दो पोल आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक बॉडी पॉजिटिव हो सकता है, मतलब पूरा का पूरा क्या है, पॉजिटिव, वहाँ माइनस होने की जरूरत नहीं है। एक बॉडी फुल क्या हो सकता है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज आइसोलेटेड है किससे, नेगेटिव से, ये हो सकता है। मतलब एक पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है और एक नेगेटिव भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में बोल रहा है क्या,
कि ऐसा नहीं हो सकता है कि अलग से एक नॉर्थ हो और अलग से क्या हो, एक इंडिविजुअल पोल, चाहे नॉर्थ हो या फिर साउथ हो, एग्जिस्ट नहीं करता है. एक साथ ही रहेगा नॉर्थ और साउथ. इसका मतलब ये भी हो गया कि एक मैग्नेट, मतलब नॉर्थ और साउथ एक मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है. कई बार लोग उसको सिंगल एटम बोलता है, कई बार लोग उसको सिंगल मॉलिक्यूल बोलता है. तो जो भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, सिंगल एटम या मॉलिक्यूल्स. यहाँ पर एटम और मॉलिक्यूल्स बोलने का, तो वो एटम मॉलिक्यूल्स से नहीं है जो हम लोग डाल्टन्स में पढ़े हैं, है ना. एटम मॉलिक्यूल्स बोलने का एक कंप्लीट पार्टिकल बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्लियर है. एक कंप्लीट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉजिटिव चार्ज एक कंप्लीट है, नेगेटिव चार्ज भी क्या है, कंप्लीट है. लेकिन मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में नॉर्थ अकेले कंप्लीट नहीं है, साउथ अकेले कंप्लीट नहीं है. नॉर्थ जहाँ होगा वहाँ साउथ भी होगा, इसलिए नॉर्थ और साउथ क्या हो गया, एक कंप्लीट एग्जिस्टेंस है इसका, क्लियर है. तो यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का बहुत सारा मतलब होता है, जिसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी हम बताया कि मैग्नेटिक पोल जो है अलग अलग एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. फिर याद होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाए थे पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कंसिडर करते हैं हाई, नेगेटिव चार्ज क्या कंसिडर करते हैं, नेगेटिव को लो, जिसकी वजह से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक क्या फ्लो कर रहा था, चार्ज फ्लो नहीं कर रहा था, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्लो कर रहा था. क्या फ्लो कर रहा था, जिस तरह से हम बताया था समंदर में हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ हवा बहता है, उसी तरह से चार्ज में पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, मतलब क्या हो गया, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ. वहाँ हायर प्रेशर लोअर प्रेशर, हवा के लिए क्या कंसेप्ट है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ क्या बहता है, हवा. हवा भी क्या, एक तरह का फील्ड लाइन से, एक तरह का, ठीक है, जो कि क्या चीज़ का बहाव है, मास का. क्या चीज़ का बहाव है, विंड वेग का मास है. और उस मास में, उस हवा में सिर्फ मास ही उड़ सकता है, मतलब उसको फील कौन कर सकता है. हवा में ऐसा थोड़ी कि चार्ज उड़ जाएगा, हवा में कोई पेड़ उड़ जाएगा, झोपड़ी उड़ जाएगा, घर उड़ जाएगा, कागज़ उड़ जाएगा, सभी क्या है. तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड का इफेक्ट मास पे है, ग्रेविटेशनल फील्ड का इफेक्ट मास का है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का इफेक्ट चार्ज पे है, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट किसके ऊपर है, मैग्नेटिक पोल्स पे या मैग्नेट पे है, क्लियर है. तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ हवा बहता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बहता है. ठीक इसी तरह से मैग्नेट के अंदर भी हायर पोटेंशियल मतलब नॉर्थ, लोअर पोटेंशियल मतलब साउथ की तरफ एक लाइंस बहता है, जिसका नाम क्या है, मैग्नेटिक लाइंस. ठीक है, तो ये सब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, जिसके बारे में इन शॉर्ट बताया कि मैग्नेट का मतलब सिंपली क्या होगा, वो सभी सब्सटेंस या बॉडी जिसके अंदर मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी है उसको क्या कहेंगे, हम लोग मैग्नेट कहेंगे. देखो एक टाइम था जब जेई नीट वाले बच्चों के लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता था, क्योंकि वहाँ सिर्फ क्या आता था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. और एक अभी टाइम है कि डेफिनेशन छोड़ के जाओगे तो पेपर छोड़ के चले आओगे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहा है. अब अगर बोल देगा कि मैग्नेट, छोटा सा बात, मैग्नेट क्या है, चार ऑप्शन दे देगा, तो चारों ऑप्शन देखने में क्या लगेगा, ये सेम से मिलेगा, क्योंकि चारों प्रॉपर्टी मैग्नेट का ही डालेगा. लेकिन मैग्नेट का एग्जैक्ट डेफिनेशन के हिसाब से क्या मतलब होगा, जो मैग्नेटिक, हाँ, मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी रखता है उसको क्या बोलते हैं, सिंपली मैग्नेट बोलते हैं. तो अब ये नहीं पता है, बोले इजी क्वेश्चन था लेकिन डिटेल में पढ़ाई नहीं किए थे तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये वो कहानी कोई नहीं सुनता है, बस तुम फेल हो गए, बात खत्म, क्लियर. आ जाओ नेक्स्ट देखो. अब आते हैं क्या, टाइप ऑफ मैग्नेट. सर मैग्नेट दो तरह का होता है, सबको पता है मैग्नेट दो तरह का होता है, एक नेचुरल मैग्नेट और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट. पहाड़ी इलाका वगैरह में जाओगे ना तो कभी कभार तुमको मिल जाएगा कुछ मैग्नेट्स वगैरह, आप उठाओ देखेगा, इसको चिपक रहा है सब कुछ, उठा के रख लो पॉकेट में, देखने में शेप कैसा होगा उसका, एकदम पत्थर के जैसा, जैसे कुछ भी शेप हो सकता है, इरेगुलर शेप. तो नेचुरल मैग्नेट जो होता है ना, टाइप बात करेंगे, नेचुरल मैग्नेट पहला, नेचुरल मैग्नेट सबसे पहला, ये कैसा शेप का होगा, इरेगुलर. और अगर इरेगुलर शेप, और अगर नेचुरल मैग्नेट सफिशेंट होता तो आज इतना सारा कारखाना में हम लोग फैक्ट्री में मैग्नेट फॉर्म नहीं करते. एक छोटा सा खिलौना टूट जाता है, स्पीकर तोड़ो, अंदर से देखना एक स्पीकर निकलता है, क्या वैसा मैग्नेट, वैसा मैग्नेट तुम कभी देखे हो नेचुरली, नहीं. वो क्या किया जाता है, बनाया जाता है. कंपास के अंदर भी क्या लगा हुआ है, मैग्नेट. और बहुत जगह पे मैग्नेट का यूज़ कर, स्पीकर वगैरह में दिखेगा, बहुत जगह मैग्नेट दिखेगा तुमको. और देखने एक हॉर्स शू मैग्नेट होता है, ये सब तो बनाया जाता है. तो मैग्नेट जो नेचुरल तरीके से पाया जाए ना, वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है. तो अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करने के लिए हम लोग उसके हिसाब से प्रिपेयर करते हैं, उसको स्ट्रांग बनाते हैं, वीक बनाते हैं. तो नेचुरल मैग्नेट बहुत वीक मैग्नेट होता है, इससे तुम उतना खास काम नहीं ले सकते हो. तो इसीलिए क्या हो गया, एक तरह का वीक मैग्नेट हो गया. कैसा मैग्नेट हो गया, ये बात सिंपल ख़त्म हो गया. दूसरा मैग्नेट कौन सा आ जाएगा, आर्टिफिशियल मैग्नेट. ये कैसा होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट रेगुलर शेप का होगा, क्योंकि इसको हम लोग बनाते हैं अपने हिसाब से, ठीक है. तीसरा क्या हो जाएगा, ये बहुत स्ट्रांग होता है, किसके कंपेयर में, हाँ, इसके अंदर में भी आपस में कोई वीक कोई स्ट्रांग होता है, लेकिन ये नेचुरल मैग्नेट के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत ठीक है. अच्छा,
इसका एग्जांपल देख सकते हो तुम, मैग्नेटिक निडिल देख लो, मैग्नेटिक निडिल या बहुत अच्छा निडिल शेप मैग्नेट, हॉर्स शू है ना, ठीक है, रिंग टाइप मैग्नेट और बहुत सारे मैग्नेट है, ये सब इसके अंदर आ जाएगा बेसिक बेसिक। अब देखो हम अभी बात बता रहे हैं कि मैग्नेटिक सबस्टेंस हम लोग बनाते हैं, मैग्नेटिक सबस्टेंस हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं, तो वो इसका मतलब साफ हो गया कि आर्टिफिशियली होगा, क्या होगा है ना, तो क्या चीज़ से बनाएंगे, कुछ तो होगा मटेरियल जिससे हम लोग बना सकते हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक सबस्टेंस। और अगर तुमसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में है ये चीज़ रहता है तुम्हारा, यहाँ पे तुम स्टार्ट भी किए इस चीज़ से हम, कि सबसे पहले जो मैग्नेट, जो फर्स्ट टाइम जो मैग्नेट एग्जिस्ट किया था है ना, कि पहला मैग्नेट कौन सा है, तो याद है लोड स्टोन ही, तो बच्चे जानते हैं, हम लोग छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं, लोड स्टोन मैग्नेटाइट बोलते हैं इसको हम लोग, सबसे पहला मैग्नेट था, ठीक है, मैग्नीशिया नाम कंट्री में इसको खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, उसके बेसिस पे रख दिया गया सब कुछ, ये सब जानता होगा। आ जाओ ध्यान दो, अब बात आ रहा मैग्नेटिक सबस्टेंस, वो सभी सबस्टेंस जिसको तुम मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हम यहाँ पे एक शेप ले लिए, हम क्या ले लिए, एक शेप ले लिए, ठीक है, और मान लिए कि ये जो शेप है कोई मैग्नेटिक सबस्टेंस है, कोई क्या है, मैग्नेटिक सबस्टेंस है, मैग्नेटिक सबस्टेंस का होने का मतलब ये हो गया अभी मैग्नेट नहीं है, अभी मैग्नेट नहीं है तो इसमें कोई नेट नॉर्थ पोल नहीं होगा और नेट साउथ पोल नहीं होगा, बात खत्म, तो ठीक है मैग्नेटिक सबस्टेंस है, मतलब अगर ये बन रहा है तो इंडक्शन ही करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो जिस सबस्टेंस को तुम मैग्नेट बना सकते हो, मैग्नेट बना सकते हो का मतलब क्या है, बाद में तुम किसी तरह से उसको एक पोल पे क्या क्रिएट कर दोगे, नॉर्थ, दूसरे पोल पे क्या क्रिएट कर दोगे, साउथ, ऐसे रैंडम स्ट्रक्चर ले कर रहे हैं समझाने के लिए, साउथ क्रिएट, अभी क्या बन गया मैग्नेटिक सबस्टेंस, क्या बन गया, अब ये मैग्नेटिक सबस्टेंस बन गया मैग्नेट, ठीक है, तो वो एग्जांपल दिया गया कौन कौन सा मैग्नेटिक सबस्टेंस है जिससे हम मैग्नेट बना सकते हैं, तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको अच्छे से याद रखोगे, फेको नहीं, पीरियड टेबल का था ना टॉपिक, एक लाइन से तीनों है, सेम पीरियड में अलग अलग ग्रुप में, FeCO Ni, ये तीनों मैग्नेटिक सबस्टेंस है, इसके हेल्प से आप क्या बना सकते हैं, जिसमें से आयरन को तुम लोग कई बार देखे हैं, एक कील को भी हम लोग थोड़ा देख ले, एक मैग्नेट बगल में रख दो तो कील भी क्या करता है, अगल बगल कील को ट्रैक कर लेता है, तो टेम्प्रेरी मैग्नेट वहाँ पे, फिर आगे चल के सब देखेंगे कैसे टेम्प्रेरी है कैसे परमानेंट है, वो तो डिटेल में पढ़ने वाले चैप्टर में हम लोग, अभी तो स्टार्ट हुआ है, बच्चा वाला बात हो रहा है अभी, ठीक है, बेसिक्स बात हो रहा है, ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हो, टाइप ऑफ मैग्नेट हो गया हम लोग का, अब लेंथ ऑफ मैग्नेट ध्यान दो, लेंथ ऑफ मैग्नेट, ये सिंपल एक मैग्नेट तुमको दिखा दिए, अभी एक रेडीमेड मतलब कि बना बनाया, अभी मैग्नेट कैसे फॉर्म हुआ आगे हम बताएंगे मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर में, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर थ्योरी आएगा, यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कैसे मैग्नेट फॉर्म होता है, फिलहाल सिंपली हम क्या बता रहे हैं कि एक मैग्नेट तुम्हारे पास है, एक नॉर्थ और एक क्या इसमें साउथ, रेड वाला नॉर्थ कंसिडर होता है और ब्लू वाला क्या कंसिडर होता है, अगर कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा तुमको दिख जाए ब्लू और रेड कलर के कंसेप्ट के हिसाब से, तो समझ जाना रेड कोडिंग किसके लिए, नॉर्थ के लिए, ठीक है। अब देखो फिलहाल हम बाहर से इसके लेंथ को देख रहे होते हैं, बाहर से इसके लेंथ को देख रहे होते हैं, ये एक लेंथ है, बाहर का लेंथ मतलब पता है क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल लेंथ, बाहर का लेंथ क्या हो गया, जो ज्योमेट्री है, तो ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं जीएल, क्या लिख लिए, जीएल, ठीक है, लेकिन अंदर में जो है ना साउथ और नॉर्थ एग्जैक्टली एकदम ऑन द सरफेस नहीं होता है, एग्जैक्टली सरफेस पे नहीं होता है, थोड़ा सा सरफेस से अंदर की तरफ होता है, वो भी कैसे होता है ये भी आगे एक्सप्लेन करेंगे, थ्योरी में बताएंगे हम कैसे होता है, तो हम जैसा सोच रहे होते हैं वैसा मैग्नेट के अंदर का लेंथ नहीं होता, मैग्नेट का लेंथ मतलब क्या हो गया, साउथ और नॉर्थ के बीच का सेपरेशन, याद रहेगा मैग्नेटिक लेंथ का मतलब क्या होता है, साउथ और नॉर्थ के बीच का सेपरेशन, ज्योमेट्रिकल लेंथ मैग्नेटिक लेंथ नहीं होता है, तो हो सकता है कि ये तुम्हारा ज्योमेट्रिकल लेंथ बाहर से कुछ भी दिख रहा हो, लेकिन मैग्नेटिक लेंथ वर्ड हमेशा यूज़ करेगा नॉर्थ और साउथ के सेपरेशन को दिखाने के लिए, इसीलिए कई बार इसका एक नाम और बोलता है इफेक्टिव लेंथ, क्या बोलता है, मैग्नेटिक लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, और चूंकि ये एक पॉजिटिव नेगेटिव के जैसा एक पेयर बना रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो याद आ रहा है डायपोल, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के पेयर क्या बोलते हैं हम लोग, डायपोल बोलते हैं, तो इसीलिए डायपोल लेंथ भी बोला जाता है, तो अब मान लेते हैं ये साउथ से लेकर यहाँ तक नॉर्थ तक ये सेपरेशन इतना हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लेंथ, क्या बोलेंगे इसको, तो GL क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल लेंथ, और ये क्या हो गया, मैग्नेटिक लेंथ, अरे हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक लेंथ, तो ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या होगा, ज्योमेट्रिकल लेंथ ज़्यादा होता है, मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है, छोटा होता है, इसका एक नाम और है डाइपोल लेंथ, इसका नाम एक क्या है और, डाइपोल लेंथ, क्लियर है, क्या नाम इसका है, डाइपोल लेंथ, और इसका एक नाम क्या है, इफेक्टिव लेंथ, क्लियर है, चलो अब इतना फटाफट नोट करो, अब देखो नेक्स्ट मैग्नेटिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में
कूलम्ब चार्ज था ना, कूलम्बिक चार्ज था, सिंपल, एक पॉजिटिव अलग, एक नेगेटिव क्या था, अलग। अब ध्यान दो, यहाँ मैग्नेट के चार्ज को ना हम लोग कुछ नाम दिए हैं। उसका नाम, सबसे पहला नाम दिए पोल स्ट्रेंथ। क्या नाम दिया इसका? क्यों सर पोल स्ट्रेंथ? क्योंकि ये पोल पे पाया जाता है। सपोज ये दिखा रहे तुमको, मान लेते हैं ऐसा कि ये हिस्सा जो है ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। नॉर्थ इस पोल पे, साउथ उस पोल पे। इसी प्रॉपर्टी की वजह से एक नॉर्थ दूसरे साउथ को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, या एक साउथ दूसरे नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, या फिर एक नॉर्थ दूसरे नॉर्थ को रिपेल करता है, या एक साउथ दूसरे साउथ को रिपेल करता है। तो सारा चार्ज वाला बिहेवियर इसके पास ही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग बोलते थे पॉजिटिव चार्ज, क्या होते थे पॉजिटिव चार्ज, और क्या होते थे नेगेटिव चार्ज। इसका नाम क्या रखा गया था, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसका नाम क्या था, नेगेटिव चार्ज। ठीक उसके जैसा ही, ठीक उसके जैसा ही तुम्हारा यहाँ पर है। इसका नाम दिया गया नॉर्थ पोल। क्या नाम दिया गया इसका, नॉर्थ पोल। इसका नाम दिया गया साउथ पोल, ठीक है। ये नाम दिया गया, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों मैग्नेट का चार्ज है, और मैग्नेट के चार्ज को मैग्नेटिक चार्ज वर्ड यूज़ नहीं करके बोला जाता है पोल स्ट्रेंथ। क्या बोला जाता है? तो यहाँ वर्ड यूज़ करता है चार्ज, और यहाँ वर्ड यूज़ करता है पोल स्ट्रेंथ। इसलिए नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ, साउथ पोल स्ट्रेंथ। तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों ही क्या है, मैग्नेट का चार्ज है, और इसका नाम क्या दिया गया, पोल स्ट्रेंथ, है ना। वहाँ चार्ज का यूनिट क्या था, कूलम था। यहाँ पे इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है एम्पियर मीटर। क्या नाम इसका यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर। वहाँ क्या यूनिट था उसका, कूलम। वहाँ क्या, उसका जो यूनिट था, यहाँ यूनिट था, वो अलग है दोनों, क्योंकि वो कूलम्बिक चार्ज था, ये मैग्नेटिक चार्ज। इसका यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर। ये एम्पियर दिमाग थोड़ा सा ख़राब कर रहा होगा तुम लोगों का, क्योंकि क्योंकि मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी करंट के साथ भी है, तो इसका यूनिट करंट से भी क्या है, ड्राइव्ड है। करंट से भी क्या होगा, क्योंकि देखना आगे चल के पढ़ाएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट वायर, करंट कैरिंग जो वायर है उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, मैग्नेट का है। तो इसीलिए इसका यूनिट एम्पियर से भी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, और कुछ बड़ा बात नहीं है। क्लियर है, याद रहेगा। अच्छा आप देखो यहाँ पे ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज है, सॉरी मैग्नेटिक चार्ज होगी, सिंपली पोल स्ट्रेंथ। अब देखो पोल स्ट्रेंथ बढ़ाना हो या घटाना हो, पोल स्ट्रेंथ बढ़ाना हो या घटाना हो, इस बात को समझने के समझना होगा एक मैग्नेट का ज्योमेट्री कैसा होता है। देख लो चार्ज जो है ना किसी बॉडी में एक एक जगह पर रह सकता है, उसको एरिया रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मैग्नेट कैसा नहीं है, जैसे ये मैग्नेट है और ये बिग मैग्नेट है, इसका एरिया क्या है, इसका एरिया उतना ही है। कैसे कम हो गया सर, हाँ अब इसका क्या है, पहले वाले से। तो अब अगर मान लो इसको ही बोले कि सेम नॉर्थ रख लो, इसको बोले सेम नॉर्थ रखेगा, ये कम रखेगा, ये क्या रखेगा, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पे कूलम्स में वैसा कुछ नहीं था कि ज़्यादा चार्ज कम चार्ज, एरिया से कोई कनेक्शन चार्ज का, लेकिन मैग्नेटिक चार्ज का कनेक्शन किससे आएगा, एरिया से आएगा। और दिख रहा है साहब फिलहाल कि एरिया बढ़ने से चार्ज क्या होगा। तो एक छोटा सा नोट पॉइंट रह सकते हैं कि मैग्नेटिक चार्ज, इसको पोल स्ट्रेंथ बोल रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं, पोल स्ट्रेंथ बोल रहे हैं, पोल स्ट्रेंथ बोल रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और इस चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे क्यू से, जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू। इन लोगों को यहाँ नॉर्थ, देखो नॉर्थ एक्चुअली नेचर है, प्लस की जगह क्या है, नॉर्थ है। लेकिन ये चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे स्मॉल एम से, यहाँ पे किससे, स्मॉल एम से। तो तुम कुछ से समझ रहे हो, हमें कंपेयर करके पढ़ा रहे हैं, कन्फ्यूजन ना हो। ये दोनों क्या है, प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों का चार्ज सेम है। देखो दोनों का चार्ज क्या है, सेम है। ये प्लस नेचर का, ये नॉर्थ नेचर का, ये माइनस नेचर का, ये साउथ नेचर का। तो नॉर्थ साउथ जो है ना, वो चार्ज का वैल्यू नहीं है, वो क्या है, नेचर है। चार्ज को तुम रिप्रेजेंट करोगे वहाँ पे क्यू से, यहाँ पे स्मॉल एम से। तो स्मॉल एम जिसका नाम पोल स्ट्रेंथ है, स्मॉल एम जिसका नाम पोल स्ट्रेंथ है, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट के यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन किसका, ऑफ मैग्नेट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मैग्नेट, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा उतना चार्ज ज़्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ, सेक्शन ऑफ मैग्नेट, समझ गए। बढ़ाएंगे तो स्मॉल एम का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा, और घटाएंगे तो स्मॉल एम का वैल्यू भी क्या होगा, घटेगा। सिंपल है, अभी तक मैग्नेटिज्म अभी सिंपल फॉर्म में, अभी आगे धीरे धीरे उठेगा तो फिर बात बढ़ेगा। सबसे पहला इसको देखते हैं, उसके साथ प्रॉपर्टी भी आ जाएगा सारा। ये देखो पहला क्या है मेरा, मॉलिकुलर थ्योरी। इसको बुक में कई जगह पे एटॉमिक थ्योरी भी लिखा हुआ है, ठीक है, बताया ना, वो कन्फ्यूजन लगा रहता है। कुछ लोग उसको क्या मानते हैं, एक डायपोल को
सिंगल एटम मानता है, कुछ लोग डायपोल को सिंगल मॉलिक्यूल मानता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे मॉलिक्यूलर थ्योरी और एटमिक थ्योरी बोलते हैं। कौन दिया था ये थ्योरी? गिवन बाय वेबर, एक साइंटिस्ट थे। बाद में कुछ करेक्शंस करके दूसरा साइंटिस्ट इसको ठीक किया, लेकिन मेनली दिया था कोई थ्योरी कौन? वेबर ही दिए थे। और स्टार्ट करते हैं, हम एक मैग्नेटिक सब्सटेंस लाएं। ये तुम स्क्वायर बॉक्स देख रहे हो, क्या एक तरह का मैग्नेटिक सब्सटेंस है। अभी इसके पास नॉर्थ भी होगा, साउथ भी होगा, लेकिन किस फॉर्म में? न्यूट्रल फॉर्म में। इस थ्योरी का सबसे पहला बेस ये है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक सिंगल एटम या मॉलिक्यूल की तरह क्या करता है? बिहेव करता है, है ना। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कैसे बिहेव करता है? एज अ सिंगल एटम या मॉलिक्यूल, मतलब अलग अलग नहीं दिखेगा हमको। इसलिए अब एक साथ अपना मतलब अपना पेयर बना रखा है और अपने पेयर के साथ रहेगा हमेशा, कभी अपने पेयर को छोड़ेगा नहीं। तो इस हिसाब से अगर न्यूट्रल करना चाहेंगे तो न्यूट्रल होना मुश्किल हो जाएगा। कैसे? देखो सांदो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में न्यूट्रल होने के लिए सिंपल कंडीशन था, प्लस और माइनस। यहाँ पे साथ रहने के कंसेप्ट नहीं था। किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्लस और माइनस अलग रह सकता है। क्यों? क्योंकि साथ आएगा तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच कोई सेपरेशन नहीं एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही करके पूरा बॉडी क्या बन गया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में न्यूट्रल। और जब ये अलग होता हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेट चार्ज बनाने का, इस पोल पे पॉजिटिव, इस पोल पे नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर इसको क्या करना है इस चैप्टर में, नॉर्थ और साउथ को साथ रहना भी है और न्यूट्रल भी नहीं होना है। न्यूट्रल भी, इसका मतलब कि पहले ही से नॉर्थ और साउथ के बीच क्या रहेगा? छोटा सा सेपरेशन रहेगा। मतलब कि इस चैप्टर में मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर में मैग्नेटिक डायपोल एक सिंगल मॉलिक्यूल है। क्या है? मैग्नेटिक डायपोल क्या है? क्योंकि नॉर्थ और साउथ मिलकर आपस में न्यूट्रल नहीं बना रहा है, नॉर्थ और साउथ दोनों मिलकर एक मॉलिक्यूल से और एग्जिस्ट कर रहा है। इसका अंदर नॉर्थ साउथ को क्या किया? न्यूट्रल नहीं किया। नॉर्थ साउथ को न्यूट्रल तभी नहीं करेगा जब उनके बीच क्या होगा? एक सेपरेशन होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो बात करें ना कि सिंगल मॉलिक्यूल, वो सिंगल मॉलिक्यूल कौन है? मैग्नेटिक डाइपोल। कौन है वो? मैग्नेटिक डाइपोल है, याद रहेगा। अब देखो, अब डाइपोल है और डाइपोल होके भी न्यूट्रल फॉर्म नहीं है, तो इसको न्यूट्रल करना होगा हमको ना। तो इसके लिए क्या होता है ना कि इसके अंदर बनता है रिंग फॉर्म। अब रिंग फॉर्म कई तरह का होता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, पेंटागॉन भी हो सकता है, बस क्लोज साइड होना चाहिए, दो साइड से ज़्यादा, तीन साइड। जैसे एग्जांपल तौर पे हम समझाते हैं, हम तीन साइड लेते हैं फिलहाल, समझाते हैं। देखो यहाँ पर हम क्या समझा रहे हैं, मान लेते हैं ये नॉर्थ है और ये क्या हो गया? साउथ। तो ये हो गया एक डायपोल, ये क्या हो गया बोलो? दोनों रेड से दिखाए, कलर कोडिंग के हिसाब से नहीं दिखा रहे, नॉर्मली रेड से लिख रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ से और किससे हो गया? साउथ से। अब अगर इस साउथ को अगर रिपेल करना है तो दूसरा डायपोल अपना यहाँ पे क्या रखेगा? कि खुद का डायपोल तो साउथ को ख़त्म नहीं कर पा रहा ना, बात समझ रहे? खुद का डायपोल तो साउथ को ख़त्म नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब कोई दूसरा डायपोल ही कर सकता है साउथ को ख़त्म। तो अब यहाँ पे दूसरा डायपोल क्या होगा? नॉर्थ। और यहाँ पे क्या होगा? अब इसका साउथ बच जा रहा, उसका नॉर्थ बच जा रहा, तो थर्ड साइड का डायपोल का फिर यहाँ पे क्या होगा? नॉर्थ। और यहाँ पे क्या हो गया? डायपोल डायपोल मिलकर क्या हो गया? नेट चार्ज। तो जब भी एक दो नॉर्थ और साउथ मिला के अभी न्यूट्रल नहीं हो रहा है, एक सिंगल मॉलिक्यूल बन जा रहा है, तो दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ेगा आकर के अरेंजमेंट में? और इसके लिए क्या ऑप्शन है? क्लोज, ओपन कर दो, देखो फिर नॉर्थ साउथ बच जाएगा। ओपन कर दो, नॉर्थ साउथ क्या हो जाएगा? तो नेचुरल तौर पे जितना मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, सारे मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर में न्यूट्रल फॉर्म का मतलब कि उसके अंदर एक क्लोज स्ट्रक्चर होता है। कई बार उसको रिंग फॉर्म बोलता है, क्या बोलते हैं उसको? अब ये रिंग का फॉर्मेशन तीन साइड का भी सकता है, चार साइड, पाँच साइड और कुछ भी, ठीक है। फिलहाल हम क्या लिए? सबसे सिंपल तीन साइड। और ऐसा स्ट्रक्चर इसके अंदर बहुत सारा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर इसके अंदर बहुत सारा होता है। हम कम से कम तीन दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी के साथ हम नॉर्थ साउथ, ये भी वैसे नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, और ये भी नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ, ठीक है। सब न्यूट्रल फॉर्म हो गया। अभी फिलहाल इस मैग्नेट के अंदर नॉर्थ भी है, साउथ भी है, लेकिन सब मिला के क्या है? न्यूट्रल फॉर्म है। इसीलिए अभी तक ये क्या है? मैग्नेटिक सब्सटेंस से मैग्नेट नहीं बना है। क्या है ये अभी? अभी तक मैग्नेटिक सब्सटेंस है लेकिन अभी तक मैग्नेट बना नहीं है। अब तुम क्या किए, इसके पास एक मैग्नेट ले आए, छोटा सा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए, छोटा सा काम नहीं चलेगा क्योंकि उसके अंदर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को तोड़ना है ना। तो क्या चाहिए हमको? स्ट्रॉन्ग फॉर्म चाहिए। तो अब हम देखो, दिखाने के लिए हम ऐसे दिखा दिए कि आप नॉर्थ या साउथ कुछ भी दिखा देंगे हम, ठीक है। लेकिन क्या होगा, एक मिनट रुक जाओ, हम सपोज लेकर के आ गए यहाँ पे नॉर्थ, इसके पीछे इसका क्या होगा?
साउथ का, जो हम दिखा नहीं रहे, बस एक पोल को फेस करा रहे हैं। तो अब ये नॉर्थ क्या करेगा, उसके अंदर के सारे साउथ को क्या करेगा, कोशिश करेगा कि तोड़ जाए। किसी भी रिलेशनशिप को तोड़ना आसान नहीं होता है, पहले से अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, उस पर अपना दमखम लगाना पड़ेगा। अब वो दमखम लगा के तुम पूरी तरह से तोड़ पाओगे नहीं पाओगे, डिपेंड करेगा तुम कितना कोशिश किए हो, ठीक है। फिलहाल ये आया अपने स्ट्रेंथ लेकर के, सामने के पोर्शन को तोड़ दिया क्योंकि ये करीब है, आसान हुआ, इसका स्ट्रेंथ यहाँ तक पहुँचा। दूर जाते तो इसका स्ट्रेंथ भी क्या होगा, वीक होगा ना। तो पहले ये स्ट्रक्चर टूट गया और ये तीनों जो है ऐसे अरेंज कर गया इस फॉर्म में, नॉर्थ एक जगह पर आ गया, सॉरी साउथ एक जगह पर आ गया, नॉर्थ एक जगह पर चला गया। तो अभी लेफ्ट में क्या होगा, साउथ या नॉर्थ, क्योंकि इसके साथ क्या है यहाँ पे, तो ये साउथ हो गया। लेकिन अभी भी देखो ये अपने पहले वाले बॉन्ड को ख़त्म नहीं किया, ऐसा कभी नहीं होगा कि साउथ नॉर्थ को छोड़ दे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंडक्शन में हुआ था, निगेटिव पॉजिटिव को छोड़ के भाग गया था, इंडक्शन पढ़ाया था डिटेल में, हम छोड़ के भागा था, ठीक है। अब सबको दिमाग में आ रहा है क्या 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 नहीं आ रहा, नहीं मालूम, ठीक है चलो। हम तो हमको तो कुछ आता ही नहीं, हम तो बहुत गरीब है, बुद्धू है, आ जाओ, हाँ सही है बुद्धू है, आओ ध्यान दो, कोई रिलेशन ही नहीं है। रिलेशन के बिना ज़िंदगी बहुत शुद्ध है, बस माँ बाप का साथ काफ़ी है, ध्यान दो। ये क्या हो गया साउथ, ये क्या हो गया नॉर्थ, लेकिन बाकी रिंग अभी क्या कर रहा है, बाकी रिंग अभी एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो अब अगर वो नहीं तोड़ पाया है तो फिर भी नहीं तोड़ पाएगा। अब अगर फिर से इसको तोड़ना है तो तुमको इसके स्ट्रेंथ क्या करना होगा, स्ट्रेंथ को समझाने के लिए मैं ऐसे दिखा रहा, एक एरो डबल कर दिया, उसका स्ट्रेंथ क्या आ गया, इसका बढ़ गया, ठीक है। तो अब दूसरे रिंग को भी क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो देखो अब ये ऐसे टूट गया, दूसरा रिंग में क्या हो गया, टूट गया, ठीक है। दूसरा रिंग में क्या हो गया, टूट गया, ठीक है। अब टूट जाएगा तो फिर से ये पालू में साउथ, ये नॉर्थ, और ये भी साउथ, ये भी नॉर्थ, ठीक है सर। अब फिर अभी देख रहे हैं क्या, अभी ये भी बाकी है, अभी ये क्या है, बाकी है। तो इसका स्ट्रेंथ फिर से बढ़ाओगे तुम, इसका स्ट्रेंथ तुम फिर से बढ़ाओगे। देखो ये एरो हटा दो यहाँ पे, क्योंकि ये टूटने के बाद फिर इसको तुम यहाँ कर रहे हो तो ये हो रहा है, तो इसको हटा दो, ये डबल एरो यहाँ पे, ठीक है। तुम बढ़ाए तो फिर वो क्या हो गया, टूट गया। अब तुम फिर से चाह रहे कि जो लास्ट पोर्शन है वो भी क्या हो जाए, टूट जाए, तुम इसके स्ट्रेंथ को और बढ़ा दिए। तो अब देख रहे सारा पोर्शन क्या हो गया, मतलब कि रिलेशनशिप का सत्यानाश कर दिया, ठीक है। तो साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, टूट गया। तुम फर्दर बढ़ाओ क्या चीज़, इसका स्ट्रेंथ। अब फर्दर बढ़ाओ कुछ फ़ायदा होगा, अब फर्दर का कोई स्ट्रेंथ बढ़ाता है, फर्दर कोई बढ़ाता है तो कोई फ़ायदा होगा। अब जैसा था स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, तो ये किस फिलहाल अभी एग्जिस्ट, ये जगह जहाँ तुम देख रहे हैं इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सैचुरेशन। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर ये वर्ड यूज हुआ है। पूछेगा कि मैग्नेटिक सैचुरेशन क्रिएट कैसे होता है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ना, ये वाला ये मैग्नेट का जो इलाका है ना, इसको बोलते हैं, इसका फील्ड जो ये बाद में वर्ड पढ़ाएंगे फील्ड क्या होता है। खैर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाओ बच्चा, जानते हैं फील्ड क्या होता है, नॉर्थ से जो निकल रहा क्या है, इसका फील्ड है। या बोल सकते हो क्या, एक्सटर्नल मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बढ़ाने से ये क्या होगा, टूटने कैपेसिटी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन एक टाइम पे जाके कोई भी चीज़ क्या करता है, सैचुरेट करता है। अब तोड़ने के लिए कुछ है नहीं तो फिर क्या तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक सैचुरेशन। अब ऐसा मत सोचो कि टूटने के बाद ही मैग्नेट अभी भी बन गया है, अभी भी कहानी है कि ये साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। तो इससे तो फिर कहानी बनेगा नहीं। इसीलिए देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है कि ये जो नॉर्थ साउथ इसके बहुत करीब है ना, फेस पे है ना, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल, ठीक है सर। और ये नॉर्थ साउथ भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। लेकिन ये नॉर्थ साउथ आपस से क्या है, बहुत दूर है। इसी वजह से क्या होता है कि पोल पे हमको दिखता है साउथ और एक पोल पे दिखता है हमको क्या, नॉर्थ। तो ये क्रिएट हो गया इस पोल पे सारा का सारा साउथ, ठीक है, और इस पोल पे सारा का सारा नॉर्थ, ठीक है। जस्ट थोड़ा वेट करो, और थोड़ा वेट करो। देखो एक पोल पे सारा साउथ रहेगा तो इसके लिए भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आपस में तो रिपल्सन है ना, तो ये सारा साउथ आपस में क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। अब अगर मान लो ये रिपल्सन करेगा, धक्का धुक्की करेगा, जैसे कि ये मान लो कि ये इस तरह से, मान लो नीचे से एक सपोर्ट दे, रिजिड सपोर्ट, और उसको यहाँ से प्रेस करे तो नीचे मुड़ नहीं पाएगा, कहाँ मुड़ जाएगा वो, ऊपर, क्योंकि जिस साइड से रिजिड सपोर्ट है वहाँ से नहीं निकल पाएगा। तो जहाँ पे नहीं वहाँ क्या, तो ये बाहर तो निकल सकता है नहीं साउथ। तो मॉलिक्यूलर सेपरेशन अंदर में ही आपस में क्या करते हैं, झगड़ा करके दूर होने का कोशिश करता है, क्योंकि लाइक चार्ज में रिपल्सन होता है, और रिपल्सन से दूर जाने से क्या क्रिएट होता है, स्टेबिलिटी। तो ये स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए यहाँ पे ये साउथ आपस में रिपल्सन किया, और थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, एकदम एक लाइन में नहीं रह करके थोड़ा सा थोड़ा दूर हो गया, बाहर तो नहीं निकल सकता है तो अंदर बेंड कर गया। क्लियर है, सेम नॉर्थ में भी होगा, सेम नॉर्थ में भी होगा, सेम क्या होगा, नॉर्थ में भी होगा। इसलिए नॉर्थ लेंथ बहुत दूर है ना, सफिशेंट दूरी है, क्योंकि डायपोल का करीब लेंथ होता है, ये क्या बहुत बड़ा लेंथ है। सुनो एक बात और सुनो, ये तुम बना रहे डायपोल के अंदर छोटा छोटा, मान बहुत छोटा छोटा डायपोल होता है ये, यहाँ मैग्नेट के अंदर बहुत छोटा छोटा डायपोल, तो इतना बड़ा डायपोल का अंदर बहुत बड़ा लेंथ हो गया ये, काफ़ी।
तो ध्यान दो, ये सारा साउथ एक जगह पे, ये सारा नॉर्थ एक जगह पे। तो हम लोग सोच रहे होते हैं क्या कि साउथ इस मार्जिन पे है, लेकिन देखो साउथ का मार्जिन क्या है, थोड़ा सा अंदर है। हम लोग सोच रहे होते हैं कि नॉर्थ का ये मार्जिन है, कि नॉर्थ का मार्जिन थोड़ा सा क्या है। तो ये साउथ नॉर्थ मैग्नेटिक चार्ज है ना, साउथ नॉर्थ क्या है, मैग्नेटिक चार्ज है। इन पूरे चार्ज का एवरेज अगर देखोगे, देखो ये इसको देखो और करो, यही ना ऐसे दिख रहा ना, ये पोर्शन है जैसे भागा है। तो एक तरह से गौर किया जाए तो सबसे नियरेस्ट फेस्ट ये हो गया ना, ये किसका हो गया, साउथ का, ये भी किसका हो गया, नॉर्थ का। ये सेपरेशन देख रहे हो, मैग्नेटिक चार्ज के बीच का सेपरेशन है। मैग्नेटिक चार्ज कौन है यहाँ पे, साउथ और नॉर्थ। ज्योमेट्रिकल लेंथ बाहर से क्या है, ज़्यादा है सर, और मैग्नेटिक लेंथ क्या है सर, छोटा है। ये साउथ है और ये क्या है, नॉर्थ है। साउथ और नॉर्थ के मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव के सेपरेशन को डायपोल लेंथ भी बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ भी बोलते हैं और मैग्नेटिक लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। और साफ दिखाई दे रही है क्या है, इससे कम है। ज्योमेट्रिक लेंथ क्या है, ज़्यादा है। तो अगर बाय द वे पूछ दे कि कितना टाइम्स ज़्यादा है, तो 5/6 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक लेंथ, याद रहेगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाई चांस बहुत रेयर, लेकिन 5/6 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक लेंथ, गलत लिख दिया ना, ज्योमेट्रिक लेंथ ज़्यादा है ना, मैग्नेटिक लेंथ जो होगा, मैग्नेटिक लेंथ जो होगा 5/6 ऑफ क्या होगा, मैग्नेटिक लेंथ कम होगा, ठीक है। कितना कम होगा, 5/6 टाइम, कोई दिक्कत है, बस में आ गया। अब इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ये कंप्लीट एक मैग्नेट का शेप, इसीलिए तो बुक में तुम्हारा ऐसे बनाया हुआ है मैग्नेट। एक्चुअली बताना चाह रहा है कि चार्ज यहाँ पे है आपस में रिपल्सन करके, ये बन गया तुम्हारा एक मैग्नेट, नॉर्थ साउथ एक कंप्लीट मैग्नेट। ये क्या रेडी हो गया तुम्हारा, एक मैग्नेट रेडी हो गया, ठीक है। थ्योरेटिकल चैप्टर है, यहाँ से स्टेटमेंट क्वेश्चन ज़्यादा आएगा कॉम्पिटिशन्स में, बोर्ड में डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन आएगा और मॉलिक्यूलर थ्योरी के सब पूछेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। अब एक बात ध्यान दो, देखते हो जब काटते हैं मैग्नेट को तो फिर से वहाँ पे क्या बन जाता है, नॉर्थ साउथ। ये देखो, ये मान लो सपोज यहाँ से काट दिए, है ना, फिर यहाँ से काट दिए, ठीक है, हाँ, इसीलिए केस क्या होता है, वो रिक्रिएट हो जाता है, बस में है ना, बस में है। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि नॉर्थ हो और साउथ, जहाँ नॉर्थ वहाँ पे क्या आ जाएगा उसका साउथ पेयर में, कभी भी तुम तोड़ी नहीं, मतलब कि डायपोल टूटता ही नहीं यहाँ पे, इतना छोटा छोटा डायपोल इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, क्लियर है, बस में है। तो ये तुम्हारा क्या है, कंप्लीट मॉलिक्यूलर थ्योरी, और जिसके अंदर समझ में आ गया तुमको कैसे एक मैग्नेट क्या हो रहा है, क्रिएट कर रहा है, मैग्नेटिक लेंथ क्या है। तो फिलहाल इसके साथ हम एक भी ये चीज़ देख लिए कि ये एक मैग्नेट जो है एक मैग्नेटिक डायपोल है, क्यों, क्योंकि यहाँ साउथ और नॉर्थ, तो एक मैग्नेटिक भी डायपोल है और डायपोल के अंदर ही बहुत सारा क्या है, डायपोल है, क्लियर ना। और मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर भी क्या है, बहुत सारा डायपोल है, लेकिन उसमें कैसा फॉर्म है, रिंग फॉर्म में है, इसीलिए क्या दिखता है, न्यूट्रल दिखता है। और इसके अंदर ओपन फॉर्म में है, इसलिए क्या दिखता है, ये मैग्नेट और पोलराइज दिखता है, क्लियर है बात में सबको, दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्स बिटवीन टू पोल एकदम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जैसा है, थोड़ा सा जो फर्क है उसकी वजह से हमको पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हम छोड़ के चले जाते हैं इसको, ध्यान दो। अब पहला बात कि बोल दिया कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है नॉर्थ अकेला साउथ अकेला, लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना, ऐसा तो हो सकता है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये साउथ है और ये नॉर्थ है, पूछ दे कि इसमें कितना अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये एक पोल और ये एक पोल, तो दो चार्ज के बीच क्या पूछ रहा है, अट्रैक्शन। इसी तरह अगर नॉर्थ के सामने नॉर्थ रख दें तो क्या बजाय, दो चार्ज के बीच रिपल्सन, तो अट्रैक्शन रिपल्सन पूछ सकता है। तो कोई भी अट्रैक्शन दो चार्ज के बीच निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, कूलम्स लॉ लगाते हैं। यहाँ पे क्या लगाएंगे, कूलम्स लॉ, लेकिन किसके लिए, मैग्नेटिज्म के लिए, और कूलम्स लॉ एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, कूलम्स लॉ एप्लीकेबल फॉर। कभी भी कोई आज तक दो वायर के बीच फोर्स निकालने के लिए कूलम्स लॉ लगाया है, नहीं, लास्ट क्लास में हम लोग किए हैं ना, तो कूलम्स लॉ लगाए थे वहाँ पे, नहीं किए थे, दो पॉइंट चार्ज के बीच, बस पॉइंट नहीं है तो अप्लाई नहीं होगा, बात खत्म, क्लियर। अब ध्यान दो इसमें, तो एक काम करते हैं, हम लोग अप्लाई करते हैं इसका कूलम्स लॉ का कंसेप्ट, इसमें देखते हैं, इरेजर कहाँ गया, ठीक है, स्टार्ट, सिंपल, फोर्स दो पोल के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, याद आ रहा, कूलम्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। तो यहाँ पे चलो एक मान लेते हैं, एक पोल क्या है, M1 है, और एक पोल क्या है, अब नेचर कुछ भी सकता है, प्लस और माइनस, मतलब साउथ और नेचर, हम यहाँ नहीं लिख रहे, क्या लिखे, चार्ज का वैल्यू, और आर कैन के बीच का सेपरेशन है ना। फिर इसी चीज़ को हम लोग कहाँ देखेंगे, मीडियम के अंदर, कहाँ देखेंगे, मीडियम के अंदर, लेकिन पहले एयर में देख लेते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक चार्ज अगर बड़ा हो जाएगा तो इनके बीच दोनों साइड से फोर्स बढ़ जाएगा, क्यों सर, एक्सप्लेन करो, दोनों से एक भी चार्ज बढ़ने के बाद क्यों फोर्स बढ़ जा रहा है, sir, because,
हम इसको बढ़ा रहे हैं, तो इसका फोर्स क्यों बढ़ रहा है? हाँ बोलो, सही बोल रहे हो, मतलब तुम बोलना चाह रहे हो इंटरनल इंटरनल फोर्स है ना, कि फोर्स इनके बीच अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, इनका आपसी फोर्स है, हम लोग बाहर से, और इंटरनल फोर्स हमेशा नेट क्या होता है? ज़ीरो होता है. क्या होता है? हमेशा ज़ीरो होता है. तो सपोज़ कर लो, थोड़ा देर के लिए मान लो कि ये एक सिस्टम है, सपोज़ कर लो क्या एक सिस्टम है, सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रहा है, तो इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स हमेशा क्या होगा? ज़ीरो होगा. तो मान लेते हैं कि इसमें से एक वाले का फोर्स जो है, इस वाले का फोर्स जो है F1 है, और इसके ऊपर फोर्स क्या है? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू. तो ये लिख सकते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन. दोनों मिला के क्या आना चाहिए? क्योंकि एक अपोजिट तो है ही है, इक्वल तो आना ही पड़ेगा. तो यहाँ से पता चला कि F1 टू फोर्स वैक्टर प्लस F21 वैक्टर सब मिला के आएगा जीरो आएगा. इससे पता चला कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स टू टू वन. क्योंकि इंटरनल फोर्स पे, इंटरनल सिस्टम पे या किसी भी सिस्टम पे नेट इंटरनल फोर्स क्या होता है? ज़ीरो. तो अब दोनों फोर्स बराबर है, चाहे कोई भी बड़ा हो चाहे कोई भी, इसका मतलब ये भी होगा ना कि अगर ये बड़ा होगा तो भी दोनों का फोर्स बढ़ेगा, और अगर ये छोटा होगा तो दोनों का फोर्स, दोनों में से कोई भी एक बड़ा तो दोनों का फोर्स इक्वली चलेगा, कोई भी घटा तो दोनों का फोर्स इक्वली घटेगा. ये तभी हो सकता है जब वो किस पर डिपेंड करे, प्रोडक्ट पे. दो में से कोई भी एक बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, दो में से कोई भी एक घटेगा तो फोर्स, इस हिसाब से कूलम्स का ये लॉ स्टेट हुआ. बस में क्या बोले हम, प्रोडक्ट पे. दूसरा क्या, जैसे जैसे दूर जाएगा ये, उससे इनका फोर्स क्या होगा? घटेगा ना. और किस रेशियो से घटता है ये? इन्वर्सली स्क्वायर के हिसाब से. इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जब भी कोई फोर्स आर स्क्वायर के सेपरेशन से चेंज होता है, 1/r² के हिसाब से चेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्स स्क्वायर लॉ. और कितना बार हम बोले थे, जो भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है उसके साथ एनर्जी का रिलेशन आता है. बताओ, देखो तुम लोग कितना छोटे छोटे बात भूलते हो जल्दी. क्या? गुड. एनर्जी क्या होता है? कंजर्व होता है. जिस भी फोर्स का रिलेशन ऐसा आ रहा कि वो इन्वर्स है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, G m1 m2/r², इन्वर्स स्क्वायर लॉ, कंजर्वेटिव फोर्स. ग्रेविटेशन कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, K q1 q2/r², इन्वर्स स्क्वायर लॉ. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है. मैग्नेटिज्म अगेन क्या आया अभी तो प्रूफ करेंगे. कॉन्स्टेंट जो भी किया जाएगा, मान लो K m1 m2/r², वहाँ पे मास था, यहाँ पे m क्या है? चार्ज है, मैग्नेटिक. तो K m1 m2/r², ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ. ये भी कैसा है? तीन कंजर्वेटिव फोर्स है, और जिसके साथ ये लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है वो कंजर्वेटिव नेचर का नहीं है. ठीक है, नहीं है. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे देखेंगे इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी नहीं दिख रहा है लेकिन कंजर्वेशन दिख रहा है. जैसे स्प्रिंग फोर्स देख लो, फोर्स इज इक्वल टू kx, वहाँ ऑक्सीलेशन टाइप होता है तो वो भी क्या करता है? खुद को कंजर्व करता है. ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे कंफर्म किए कि जिसके साथ इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा है वो कंजर्वेटिव नेचर का है. हम ये नहीं बोलना चाह रहे कि जिसका फॉलो नहीं हो रहा कंजर्वेटिव नहीं है, उसको उस पर छोड़ दो. लेकिन जिसके साथ इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा है वो श्योर है कि क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है. बात समझ आया दिमाग में अच्छे से? ये हो गया. चलो अब दोनों कंबाइन करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा? कॉन्स्टेंट आएगा ना, K m1 m2/r². K वहाँ भी आया था, कहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आया था ना. लेकिन वहाँ K का वैल्यू याद है ना, K का क्या वैल्यू था? ठीक है, 9^9 किसके लिए? SI के लिए और एयर के लिए, मीडियम के लिए अलग अलग. K का फॉर्मूला क्या था? हाँ, ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ होगा, मतलब अलग होगा. बोलो, कभी कुछ नहीं किए अभी तक, अभी वो बताएंगे अभी आगे आएगा. ठीक है, K m1 m2/r², यहाँ पे K क्या हो गया? K यहाँ पे कांस्टेंट, K यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट. और कांस्टेंट यहाँ पे तो है लेकिन ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है. ग्रेविटेशन में क्या आया था? मतलब कि वो किसी मटेरियल पर डिपेंड, तुम चाँद पे जाओ, अर्थ पे आओ, मून पे जाओ, दूध में, पानी में, जहाँ भी जाओ, जी का वैल्यू क्या होगा? लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो किया था वो मीडियम पे डिपेंड किया था, याद है ना? बाहर में अलग था, मीडियम में अलग था. ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है? बाहर में अलग होगा, मीडियम में अलग होगा. अब ये अलग का किस्सा क्या चलेगा, किस्सा आगे हम बताएंगे. कि कॉन्स्टेंट है और ये यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट नहीं है, मतलब डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम. अब इस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, के क्या चीज़ है और कैसे क्या होगा फोर्स बिटवीन. हाँ, यही देखेंगे. पहले इसको नोट कर लो एक बार. यहाँ पे जो कांस्टेंट के है इसके बारे में थोड़ा समझोगे, हमको उम्मीद है क्लास में बोलेंगे, क्लास में तुमको संग संग याद आ जाएगा, दोबारा कभी याद करने की जरूरत नहीं है. कंपेयर करके पढ़ाएंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वहाँ पे क्या था? 1/4π
एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट था, था ना? जब हम बात किए थे किसी मीडियम का, मीडियम का तो 1/4 pi एप्सिलॉन, मतलब कि दोनों मीडियम में, एयर हो मीडियम या कोई अदर मीडियम हो, 1/4 pi क्या है? कॉन्स्टेंट, कॉमन। मीडियम में जाने से किसी मीडियम का क्या बदल जाता है? एप्सिलॉन बदल जाता है। एप्सिलॉन एक प्रॉपर्टी है, देखो मीडियम वाटर का म्यू भी बात करते हैं, म्यू भी प्रॉपर्टी है, एप्सिलॉन भी प्रॉपर्टी है उसी वाटर का, बात मान के चलो, और उसी का एक प्रॉपर्टी म्यू भी आएगा जो मैग्नेटिज्म का होगा। हर मतलब एक गिवन मटेरियल अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग ट्रीट कर रहा है। एक वाटर लाइट के साथ अलग ट्रीट कर रहा है, एक वाटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ अलग ट्रीट कर रहा है, और वही वाटर मैग्नेटिक फोर्स के साथ अलग ट्रीट कर रहा है। अब जिस हिसाब से वो ट्रीट करता है उसके हिसाब से नाम आता है उस मटेरियल। जैसे मान लो अभी इसका नाम क्या हो गया, किसी भी मीडियम, चाहे वाटर के अलावा कोई भी मीडियम क्यों ना हो, उसके मीडियम को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन बोलते हैं। एप्सिलॉन क्या है? ये किसी मीडियम का वो प्रॉपर्टी है जो अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है, और सबसे कम जो होता है किसका होता है? सबसे कम जो होता है वो तुम्हारा एयर का होता है। सबसे कम क्या होता है? एयर का होता है। सही बोल रहे हो, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन मीडियम में क्या होता है? बढ़ता है। तो किसी मीडियम का जो एप्सिलॉन होता है वो एयर से क्या होता है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? प्लीज़ बात नहीं करेंगे, मीडियम में गए तो एप्सिलॉन बढ़ गया, तो के क्या होगा बेचारे का? के क्या हो जाएगा? एयर के मुकाबले कम हो जाएगा। और के कम होने से फोर्स क्या हो जाएगा? क्योंकि फोर्स डायरेक्टली टू के होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो फोर्स क्या हो जाएगा बेचारे का? कम हो जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मीडियम का फोर्स एयर से क्या था? कम था। मैग्नेटिज्म में उल्टा हो रहा है, के ये मैग्नेटिज्म में ऐसा हो रहा है एयर के लिए म्यू नॉट बाई 4 pi। देखो ये जो टर्म ऊपर रख रहा है किसको, है ना, यहाँ था नीचे, यहाँ क्या है? म्यू नॉट बाई 4 pi। और के जब मीडियम में चले जाएंगे सर तो म्यू नॉट की जगह क्या आ जाएगा? म्यू आ जाएगा। अभी भी ये जो म्यू है मीडियम का ज़्यादा होगा, बाद में भी एप्सिलॉन भी क्या था? ज़्यादा था। म्यू भी क्या है? ज़्यादा है, लेकिन रिलेशन उल्टा है। यहाँ इन्वर्स रिलेशन था इसलिए ये बढ़ा तो ये घट गया, लेकिन यहाँ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब आप जब मीडियम में जाएंगे तो किसी मीडियम का म्यू जो होगा एयर से क्या होगा? ज़्यादा होगा। म्यू ज़्यादा होगा तो के भी क्या होगा मीडियम का? मीडियम का के भी ज़्यादा हो जाएगा, के भी मीडियम का ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए फोर्स भी क्या हो जाएगा? फोर्स भी मीडियम में ज़्यादा हो जाएगा। मतलब मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में मीडियम का फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा किससे? एयर के मुकाबले। मैग्नेटिक फोर्स मीडियम में जाने से बढ़ जाता है, बाहर आने से घट जाता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम में जाने से क्या होता है? घट जाता है, और बाहर आने से, ठीक है। अब एक बात समझो, इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया पर, एक ना परमीबिलिटी, एक परमिटिविटी है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था? परमिटिविटी, और यहाँ परमीबिलिटी, क्योंकि इसके बढ़ने से चीज़ बढ़ जा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स को सपोर्ट कर रहा है, मतलब बोले परमिबल है इसके लिए। क्या वर्ड इसके यहाँ पे? तो यहाँ पे जो ये जो म्यू है ना, म्यू जो है म्यू नॉट, इसको बोलते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ऑफ फ्री स्पेस मतलब कि एयर नहीं होता है, हाँ म्यू नॉट ही है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये क्या हो जाएगा? म्यू क्या हो जाएगा? परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, और मीडियम का परमिबिलिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है, लेकिन रिलेशन डायरेक्टली होता है, इसलिए फोर्स भी और के भी दोनों क्या होता है? बढ़ जाता है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे इसका नाम क्या था एप्सिलॉन नॉट का? परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस है ना। और ये एप्सिलॉन क्या था? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ज़्यादा होता है, रिलेशन उल्टा होता है, इसलिए मीडियम में ई बढ़ने से फोर्स भी घटता है और के भी घट जाता है। याद रहेगा? अच्छा, अब एक बात तुमको याद आएगा, स्पेशली फॉर के, के के लिए स्पेशल केस, क्योंकि याद कर लेते हैं उन्होंने ना, एप्सिलॉन का वैल्यू कितना था? 8.85 समथिंग है ना। सॉल्व किए तो के क्या आ गया था एयर के लिए? 9/9, ठीक है ना, याद रहेगा ना बात। तो ये चीज़ क्या है, यहाँ पे इसका वैल्यू होता है 10^-7, कितना होता है? तो एयर का वैल्यू जो होता है, के एयर का जो होता है, यहाँ पे एयर क्या था? के एयर का 9/9, और यहाँ क्या है? 10^-7, याद रहेगा, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर में सीजीएस के अंदर बहुत नेगलिजिबल, आज तक दिखती नहीं बात, मैक्सिमम क्वेश्चन किसमें आता है? एसआई में, लेकिन यहाँ पे सीजीएस भी करता है और एसआई भी करता है। क्लियर रहेगा दिमाग में बात? चलो ये टॉपिक क्लियर हो गया, के का जो क्या क्या रिलेशन है, क्या क्या फॉर्मूला है दिमाग में, बच्चों एक बार रिपीट करते हैं। जब मीडियम में जाएंगे तो क्या होगा? म्यू बढ़ेगा या घटेगा? म्यू का नाम क्या है? ठीक है, अच्छा, म्यू बढ़ने से के क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? तो इससे फोर्स क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो अगर मीडियम से बाहर आएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या घटेगा?
फॉर्मेलिटी भी घट जाएगा, फोर्स भी घट जाएगा, और के भी क्या होगा, यहाँ बहुत सीधा रिलेशन है, वहाँ क्या है उल्टा है, यहाँ सब सीधा है। मीडियम में गए, म्यू भी घट गया, सॉरी म्यू भी बढ़ गया, के भी बढ़ गया, और क्या फोर्स भी बढ़ गया। बाहर आए, म्यू भी घट गया, के भी घट गया, और फोर्स भी घट गया, ठीक है। और नाम इसका क्या है, सिंपल परमिटिविटी। क्लियर हो गया? चलो, एयर के लिए वैल्यू कितना है, क्लियर? चलो आगे आते हैं। अब देखो, फोर्स बिटवीन टू पोल हम देख चुके हैं, के भी देख चुके हैं, एक प्रॉब्लम करते हैं। चलो इसका आंसर बताओ तो फटाफट, देख के क्या होगा इसका आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा ना, क्लियर है? नेचुरल और क्या हो जाएगा। चलो अब एक क्वेश्चन ये है, इसको हम लोग करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम लोग ट्राई करो एक बार, इजी क्वेश्चन, आंसर भी दिया है यहाँ पे। न्यूटन पर टेस्ला यूनिट लिखा है मैग्नेटिक चार्ज का, मैग्नेटिक चार्ज का पिछले टॉपिक क्या बताए थे हम, एम्पियर मीटर, ये भी होता है वो भी होता है, याद रहेगा, ठीक है, हो गया, आ गया ना सबका, आ गया। कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन था, क्या बोला है क्वेश्चन देखो, टू इक्वल मैग्नेटिक पोल्स है, मतलब मैग्नेटिक चार्ज जिसको बोल मैग्नेटिक पोल्स नाम दे रहा है, ऑब्जर्व टू रिपेल, आपस में रिपेल कर रहा है, इसका मतलब क्या, तो दोनों नेगेटिव या दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कितना फोर्स से दिया हुआ है, फोर्स क्या दिया हुआ है सर, 16 इंटू 10 का पावर माइनस 5 न्यूटन, ओके। और सेपरेशन क्या है उनके बीच, तो आर भी दे दिया है क्या, 0.02 मीटर, ओके सर। व्हाट इज द पोल स्ट्रेंथ, मतलब मैग्नेटिक चार्ज, पोल स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक चार्ज क्वेश्चन मार्क है, और दोनों सेम है, तो फॉर्मूला है ना, दो पोल स्ट्रेंथ का रिपल्शन का या अट्रैक्शन का, इफ इज इक्वल टू क्या, के एम वन एम टू, दोनों सेम है तो एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, फोर्स डाल दो, फोर्स डाल दो, के कितना होगा, 10 पावर माइनस 7 एम स्क्वायर, और बाई आर कितना है, 0.02 मीटर का स्क्वायर, 0.02 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, स्मॉल एम यहाँ से आ जाएगा 0.8 न्यूटन पर टेस्ला, ठीक है, याद रहेगा। इसका यूनिट एम्पियर मीटर भी होता है, एम्पियर मीटर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ला आगे पढ़ाएंगे टेस्ला क्या है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दो, हम लोग पढ़े थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम उससे मिलता जुलता है, एक पोल अपने आसपास में जितने इलाके तक या जितने दूरी तक दूसरे पोल को डिस्टर्ब कर सकता है, या ट्रैक या रिपेल, जैसे अभी मान लो अभी यहाँ पे दिव्या बैठी हुई है, ठीक है, तुम लोग पढ़ रहे हो और मान लो बातचीत कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, तो जितने दूर तक डिस्टर्ब कर सकती है दिव्या, ये उसका फील्ड, यहाँ फिर ज़्यादा है, आर स्क्वायर होता है ना, तो इसलिए ज़्यादा है ना, तो खतरनाक सिचुएशन है, ठीक है, मतलब हम मजाक में बोले तो सच हो गया क्या, मतलब कभी कभी हम भूल से कुछ अच्छा चीज़ समझ कैच कर लेते हैं ना, डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो हम सोच चार्ज को ख़त्म कर देंगे, फील्ड जीरो कर देंगे, क्लियर है, ध्यान दो, बात समझे ना, क्या बोले हम, कि जितने दूर तक अपना इफेक्ट या प्रभाव डाल सकता है उसको क्या बोलते हैं, उसका फील्ड बोलते हैं। ये बात अलग है कि मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में एक इंडिविजुअल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अगर जब हम देखेंगे तो देख सकते हैं कहाँ तक, किस बाउंड्री तक, किस रेंज तक कर सकता है, किस रेडियस तक कर सकता है, वो बाउंड्री क्या होगा, उसका फील्ड होगा। उस फील्ड के अंदर क्या होगा बताओ तो, मेनली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्योंकि कोई भी फील्ड एग्जिस्ट क्यों करता है, उसके लाइंस ऑफ फोर्स से, वो लाइंस अगर नहीं बहे, नहीं चारों तरफ निकले, तो फिर कुछ होगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का देखो डिफाइन किया, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी मैग्नेटिक पोल, एनी मैग्नेटिक पोल समझ गए ना, एक पोल, हाँ एक सिंगल पोल, ये क्या हाईलाइटर है क्या, हाँ ठीक है, मैग्नेटिक पोल मतलब क्या हो गया, एक सिंगल पोल, ऐसा मत समझना कि अब एग्जिस्ट नहीं करता है तुम निकाल नहीं सकते हैं, उसको अलग से सोच के देख रहे हैं हम लोग, इज द रीजन या स्पेस अराउंड इन विच इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी रियलाइज्ड। बात समझ में आ गया, सिंपल टॉपिक है, पढ़ के निकल गए। ये देखो डायग्राम, डायग्राम से समझ में अच्छे से आएगा, यहाँ पे जो डायग्राम बना रहे हैं ये नॉर्थ और साउथ दोनों का फील्ड एक साथ दिख रहा है तुमको, याद आ गया वो क्लास 12 का पहला चैप्टर, पॉजिटिव चार्ज की वजह से लाइन्स ऑफ फोर्स, नेगेटिव चार्ज की वजह से लाइन्स ऑफ फोर्स, फिर पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से, फिर नेगेटिव नेगेटिव की वजह से, था ना। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ एक होगा पॉजिटिव और, क्योंकि मैग्नेट तो अलग नॉर्थ अलग साउथ बनाता ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होगा ही नहीं, एक ये रीजन हम दिखा रहे हैं जिसमें दोनों नॉर्थ साउथ एक साथ है। फिलहाल इस फील्ड में दोनों फील्ड मिक्स कर गया है नॉर्थ और साउथ का, पीछे जो फील्ड का बात किया है या स्पेस का बात किया है वो एक इंडिविजुअल का बात किया है जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो बताया इस चीज़ को कैसा करेंगे, उसको स्पेस को हम क्या बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं स्पेस को, जिस स्पेस में वो नॉर्थ पोल या साउथ पोल जितने दूर तक इफेक्ट
डाल सकता है, वो बता दिया उस चीज़ को। अब आ जाओ यहाँ पे, जो मेन टॉपिक है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमको पढ़ना है और समझना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा अच्छा खासा, ठीक। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी बड़ा रहता है यहाँ से। देखो यहाँ पे कुछ कुछ डिफरेंस है, क्योंकि आगे जो टॉपिक चलेगा हम लोग का ना पूरा डिफरेंस पे ही चलेगा, क्योंकि आगे देखो क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस हिसाब से तुम लोग का माइंड सेट हो जाएगा। प्रॉपर्टी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देखेंगे, ये 5 प्रॉपर्टी है या 6, फिर देखेंगे डिफरेंस। तुम उस डायग्राम पे जहाँ हम बात कर रहे हैं ना, ये सारा पॉइंट डिस्कस कर देंगे, बाकी पॉइंट्स हम तुमको फिर रीड करके निकाल देंगे, क्लियर। और देखो कंपेयर करो इसको अच्छे से। सर आप देखिए ना, 9 से क्या निकल रहा है, फोर्स निकल रहा है और कहाँ जा रहा है, साउथ में, ठीक है। वैसा ही जिस तरह से पॉजिटिव से निकलता है और कहाँ जाता है, निगेटिव में। लेकिन एक बात था वहाँ पर, खास बात, स्पेशल बात था कि नॉर्थ पोल हटा दो, पॉजिटिव ला दो, साउथ पोल हटा दो, निगेटिव ला दो। पॉजिटिव से लाइन ऑफ फोर्स निकलता था परपेंडिकुलरली, कैसे निकलता था, और निगेटिव में टर्मिनेट करता था कैसे, लेकिन ये यहाँ पर ये वाला कंडीशन शर्त ख़त्म हो गया, बस नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, कोई परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर नहीं होगा, बस में आया। तो ये एक डिफरेंस पहला दिखा हमको कि ऐसा कुछ कंडीशन नहीं कि परपेंडिकुलरली आउट होगा, परपेंडिकुलरली इन होगा, पहला, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या देख रहे हो कि कुछ कुछ चीज़ कॉमन है अभी भी, जैसे ये देखो रिलायंस फोर्स जब जा रहा है तो ये एक पॉइंट, जस्ट इमेजिन कि हम ये पॉइंट बात करें, यहाँ पे देखो रेड एरो दिखाया है ना छोटा छोटा, वो ये क्या नाम है, हाइलाइटर लिया हुआ है, जादू की छड़ी ले लेते हैं। सपोज एक पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे देख रहे हो टेंजेंट, इस पॉइंट का बात करोगे, इस पॉइंट का बात करोगे, एक पॉइंट पे ही डायरेक्शन है, दो डायरेक्शन है, वहाँ भी ये चीज़ था कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा, एक ही होगा, दो डायरेक्शन पॉसिबल, और वो डायरेक्शन कैसे होगा, टेंजेंशियली होगा, कैसे होगा, टेंजेंशियल होगा, कैसे होगा। देखो इसका मतलब यही हो गया कि अगर तुम यहाँ पर एक फ्री नॉर्थ पोल रख दो, देखो फ्री नॉर्थ पोल होता नहीं है, फ्री नॉर्थ पोल इमेजिनरी रख दो, तो क्या होगा, छोड़ने मत कैसे मूव करेगा, इसके साथ, तुम सोचो छोड़ेंगे ऐसे ऐसे चला जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, वो घूमता रहेगा, क्यों भाई, इसके पीछे रीज़न है कि लाइन्स ऑफ फोर्स जब निकलता है तो पीछे का रीजन क्या बन जाता है, हाई, आई रीजन क्या बनता है, सपोज करो थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देख लो, जस्ट मानो थोड़ा समझोगे यहाँ पे, नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। याद है प्लस था हाई, प्लस था क्या, हाई पोटेंशियल, माइनस क्या था, लो पोटेंशियल। ये लाइन्स ऑफ फोर्स निकल के जा रहा था कहाँ, हाई से, ये कौन सा फील्ड था, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से था, ठीक है सर। अब यहाँ पे आप एक पॉजिटिव चार्ज रख दिए थे, तो याद है तुमको पॉजिटिव चार्ज रखने के बाद क्या हुआ था, और निगेटिव रखने के बाद क्या हुआ था, पॉजिटिव फील्ड के साथ भाग गया था और निगेटिव फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि इस पॉजिटिव को पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन इस निगेटिव को पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो बोल सकते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव मतलब ये फील्ड, ये पॉजिटिव निगेटिव मतलब, तो इस फील्ड के पॉजिटिव साथ चल रहा है क्योंकि फील्ड के पीछे पॉजिटिव है तो उसको धक्का मार के ले जा रहा है, फील्ड के पीछे क्या है, पॉजिटिव है तो उसको अट्रैक्ट कर ले रहा है। तो ये लाइन्स ऑफ फोर्स के अंदर प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी लाइन्स ऑफ फोर्स में या इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज रख देंगे तो पॉजिटिव चार्ज फील्ड के अलॉन्ग निगेटिव चार्ज फील्ड के अगेंस्ट मूव करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज हाई से लो, निगेटिव चार्ज लो से हाई, उल्टा, निगेटिव का कैरेक्टर ही उल्टा होता है, हमेशा उल्टा काम करता है, जो सब दुनिया हाई से करेगा ये कहाँ करेगा, लो से, बस में ना। तो ये चीज़ हो गया। अब इसमें ध्यान दो, ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है कि पीछे हाई आगे क्या हो गया। तो अगर सपोज तुम यहाँ पर तुम क्या रख दिए, एक नॉर्थ पोल रख दिए, हम रेड कलर से दिखा रहे हैं, यहाँ पर तुम क्या रख दिए, एक नॉर्थ पोल रख दिए, तो पीछे क्या है, हाई, आगे क्या है, तो इधर मूव करेगा, फिर जब यहाँ पर आ जाएगा फिर पीछे वाला क्या हो जाएगा, हाई, आगे क्या हो जाएगा, लो, तो फिर इधर मूव करेगा, फिर जब यहाँ पे आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, बात समझ ना, ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पीछे वाला क्या होगा, हाई आगे वाला लो, तो लो की तरफ खींचा चला जाएगा और हाई से क्या करते रहेगा, उसको धक्का, और ऐसा करते करते वो नॉर्थ पोल जाएगा, कहाँ गिर जाएगा, साउथ पोल में गिर जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि अगर एक फ्री नॉर्थ पोल या टेस्ट पोल को रख देंगे किस में, एक मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स में, तो वो टेंजेंशियली मूव करेगा, टेंजेंट का मतलब ये हो गया ना, इसके साथ मूव करेगा, बात क्या होगा मतलब इसके, और कब तक मूव करेगा, जब तक उसको साउथ रिसीव ना कर ले, बस में आ गया। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, सॉरी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल साउथ पोल से परपेंडिकुलर नहीं निकलता है, और निकलने के बाद नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर की तरह इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की तरह टेंजेंट में फ्लो करता है, कब तक, जब तक कि साउथ ना आ जाए, और एक पॉइंट पर क्या डायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन होता है। और ये भी कैसा कर्व है, रेगुलर कर्व है, इरेगुलर कर्व ऐसा नहीं कि बीच में कोई एलिवेशन डिप्रेशन है, ये कैसा है, रेगुलर कर्व है, क्लियर है, ये चीज़ हो गई समझ में आ गया बात। अच्छा अब हमको डिफरेंस भी यहाँ पे दिखाना है, तो डिफरेंस हम दिखाएंगे, पहले आगे कुछ कुछ टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद देखो, पहला, लाइंस ऑफ फोर्स आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल
and acted towards the south pole. Alliance of force starts from a north pole and ends at the south pole if they are split poles. So जो बात बताया वही है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है. हालांकि एक चीज मेंशन करना चाहिए था कि परपेंडिकुलरली नहीं होता है, लेकिन आप मेंशन नहीं किया, बस खाली बता रहा है कि नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल क्या करता है उसको उसमें टर्मिनेट कर देता है. ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट वाला बात बोल रहा है कि हम जब भी किसी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट क्या बताएगा, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का डायरेक्शन, और उसी टेंजेंट का डायरेक्शन कौन मूव करेगा, एक फ्री टेस्ट पोल मतलब नॉर्थ पोल. टेस्ट पोल हम लोग नॉर्थ पोल को मानते हैं, साउथ को नहीं मानते. तुम चाहो तो मान सकते हो, लेकिन फिर इसका वैल्यू दे दिया है नॉर्थ को ही. क्लियर है, आ जाओ. तीसरा, टू लाइन्स ऑफ फोर्स कभी कट नहीं कर सकता है क्योंकि एक पॉइंट पे क्या होता है, एक ही रिएक्शन होता है. अगर एक पॉइंट पे दो रिएक्शन हो जाएगा तो फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. ये वही कहावत है, एक मैने में दो तलवार नहीं होगा, एक गुफा में दो शेर नहीं होगा. दोनों का अपना अपना इंडिविजुअल पॉइंट पे इंडिविजुअल पोटेंशियल है, दोनों के साथ कभी मर्ज नहीं होता. ठीक है, ये चीज़ में बताया जा चुका है तुमको, अच्छे से ये हो चुका है. अच्छा, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स वाला कंसेप्ट दोबारा आ गया यहाँ पे, वहाँ भी बताए थे यहाँ भी बता रहे हैं. सपोज यहाँ से मान लो क्या कि छोटे छोटे नीडल मार रहे हैं तुम लोग के ऊपर, हम तुमको जख्मी करने के लिए. ठीक है, और अभी 10 नीडल चलाएं एक बच्चा के ऊपर, सनी के ऊपर बॉडी सरफेस ज़्यादा है, इस पर अटैक करते हैं. ठीक है, 10 नीडल मारे हैं, लेकिन अब सनी को पता चल रहा है कि वो लगेगा मेरे को श्योर है, लेकिन इतना हैप्पी है वो कि वो 10 नीडल 10 जगह पर लग रहे कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ, सोचता वो बर्दाश्त कर लेगा. लेकिन अगर हम बोले कि 100 नीडल एक ही जगह पर तुम्हारा मारेंगे तो फिर टेंशन नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि अब वो सारा पेन जो डीलोकलाइज हुआ था अलग अलग बॉडी के पोर्शन पे, वो सारा पेन कहाँ पर जाएगा, एक जगह पे. तो इंजरी क्या होगा, डैमेज ज़्यादा होगा ना. तो इसी तरह से हवा भी होता है, जब कंसंट्रेट ठंड के दिन में, ठंड के दिन में हवा ज़्यादा क्यों लगता है, कंसंट्रेट होता है, गर्मी के दिन में फैल जाता है. तो बॉडी में इतना बोलते हैं, ठंड के दिन में हल्का सा एक खिड़की भी अगर हल्का सा फुलखा रहे ना तो वहाँ से हवा ऐसा लगता है ठंड लग जाता है. बहुत डेंसर होता है वो, डेंसर चीज़ ज़्यादा एक्ट करता है क्योंकि उसका इंटेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है. क्लियर है, समझ आया तुमको? ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अगर सर बहुत करीब करीब होगा, जैसे देख लो ये ऐसा होगा और एक ऐसा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, और ये क्या हो जाएगा, वीक. दूसरा चीज़, ये भी यूनिफॉर्म है, ये भी क्या है, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाएगा, ये क्या हो गया, इसके अंदर एक ही जगह वीक भी है, एक ही जगह क्या है, कुछ जगह स्ट्रांग भी है. तो ये हो गया स्ट्रांग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म वीक मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म, इसके साथ कोई स्ट्रांग वीक नहीं लगता है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, अब सपोज कर लो तुमको एक नॉर्थ पोल या साउथ पोल से कुछ फील्ड रिसीव हो रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है, मान लो कि इसके पास ऐसा बहुत कंसंट्रेट आ रहा है, तो तुम क्या बोल रहे, बहुत अच्छा नॉर्थ पोल है, बहुत लाइन्स ऑफ फोर्स निकाल रहा है, और एक ऐसा दे रहा है, बोले इसका तो लाइन्स ऑफ फोर्स निकल नहीं रहा, तो तुम क्या बोलोगे, वीक है ना. तो ये लाइन्स ऑफ फोर्स स्ट्रांग होगा कि वीक होगा, ये डिपेंड करेगा पोल स्ट्रेंथ के वैल्यू पे. पोल स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा स्ट्रांगर होगा, ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा क्या निकलेगा उसमें से, लाइन्स ऑफ. ठीक वैसा ही जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अपने अंदर से क्या निकालेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकालेगा, और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम होगा तो अपने अंदर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या निकालेगा, कम निकालेगा. समझ में आ रहा क्या बोल रहे बात? तो ध्यान दो, यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है ना, नंबर ऑफ यहाँ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ, इसको स्मॉल एम लिखो या पोल स्ट्रेंथ लिख दो चलेगा, पोल स्ट्रेंथ. ठीक है, अगर चार्ज ज़्यादा है तो लाइन्स ऑफ फोर्स क्या निकलेगा, ज़्यादा, और उसका स्ट्रेंथ भी स्ट्रांगर होगा और उसका इंटेंसिटी भी क्या होगा, चार्ज वीक होगा तो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स भी क्या निकलेगा, कम, और वो क्या होगा, वीक होगा, वीक और स्ट्रांग, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा और कम होगा तो कम होगा. सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है. चलो ये टॉपिक हो गया, समझ में आ गया. द लाइन्स ऑफ फोर्स टेंड्स टू कॉन्टैक्ट लॉन्गिट्यूडनली और लेंथ वाइज, दैट इज दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एज ऑन फिगर ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द टू. देखो यहाँ पर ये जो चीज़ बताया ना, ये तुम अभी नहीं समझोगे, इलास्टिसिटी के प्रॉपर्टी से ये जुड़ा हुआ है. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बनाते हो क्या होता है, हाँ, खिंचाव, पुल है ना, टेंसाइल टाइप. तो इसमें बोला क्या, द लाइन्स ऑफ फोर्स टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, लेंथ के वाइज को कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब कि वो चाहता है कि ज़्यादा फैले, वो नहीं चाहता है कि एक्सपैंड हो, क्या करना चाहता है, खुद को बेंड. और तुम गौर करो थोड़ा देर के लिए, मान लो ये एक निगेटिव है और ये क्या है,
पॉजिटिव है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है दूसरे से, ऐसे जुड़ा हुआ है ना। अब ये अगर खुद को चाहेगा कि नहीं, अगर फैलेगा तो ये क्या दूर जाएगा उसके साथ, और ये अगर कॉन्ट्रैक्ट करे तो क्या आएगा, पास आएगा। तो बता रहा है यही मेन रीज़न है। ये पहला बार हम इस मतलब लाइफ में इसको पढ़ा रहे हैं, हम नहीं पढ़ाते टॉपिक, छोड़ देते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया है, मजबूरी में डालना पड़ा है। बोर्ड में तो ये नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, मेनली कॉम्पिटिशन के बच्चों के लिए पॉइंट वैलिड होगा कि ये जो इसके अंदर कौन सा स्ट्रेंथ होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ होता है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ का मतलब अपने लेंथ को बरकरार रखने का कोशिश करना। स्ट्रेंथ जानते हो क्या होता है? स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? चेंज होना। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। और इसमें चेंज ऐसा होता है कि चाहता है कि मेरा लेंथ घटे पर यूनिट लेंथ पे, हर मीटर पे चाहता है कि इसका मीटर क्या हो, लेंथ कम हो। और इसके वजह से ये फैलना नहीं चाहता है, क्या करना चाहता है, सिकुड़ना चाहता है। इसका देखो मेन रीज़न जो बात करेंगे ना, तो वहाँ से भी है कि पॉजिटिव नेगेटिव में जब अट्रैक्शन होता है तो क्या गेन होता है, स्टेबिलिटी। ठीक है, जितना पास आएगा ये लाइन क्या होगा, बेंड करेगा ना, जितना पास आएगा लाइन क्या करेगा, देखो अगर यहाँ पे आ जाए नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाए, समझ रहे हो, मुड़ता चला जाएगा। जितना क्लोज करोगे उससे धीरे धीरे क्या होगा, वो मुड़ेगा। तो ये क्या हो रहा है, चेंज इन लेंथ किसका, लाइन्स ऑफ फोर्स का, पर यूनिट लेंथ। और बोल रहा है कि इसी वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से, मतलब एक तरह का बात समझ लो कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, और कोई स्प्रिंग को जस्ट वो चाहता है, स्प्रिंग क्या अगर सीधा होना चाहता है, तुम अगर ये स्प्रिंग है, समझो था, हम आगे पॉइंट में समझाई देते हैं, ये स्प्रिंग है। अब ये चाहता है कि सीधा होना, क्या चाहता है, सीधा होना। तुम जो अस्थि एक बॉल को लगा कर पास कर दो, छोड़ने से क्या दूर भाग जाएगा ना, कि इसका स्ट्रेंथ क्या बोल रहा है, नेचुरली कि दूर जाओ। ठीक है, लेकिन ऐसा हो जाए, मान लो क्या कि कोई चाहता है कि पास आना, मतलब कि उसके अंदर स्टोरिंग फोर्स कहाँ है, जैसे स्प्रिंग खींचो वापस चलाते हैं अंदर, खींचो तो हुआ ना, कौन सा स्ट्रेंथ है, लॉन्गिट्यूडिनल। तुम जितना भी खींच रहे हो अपने लेंथ को सिकुड़ना चाह रहा है। तो अगर कोई चीज़ ऐसा है कि अपने लेंथ को सिकुड़ना चाहता है, तुम जो अस्थि दो बॉडी लगा उसको ऐसे करके छोड़ दोगे तो फिर भी क्या होगा, खींचेगा थोड़ा सा ना, कुछ दिन के बाद देखो फिर से क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। बोलते नहीं कहा हुआ तुम लोग कि कुत्ते की पूंछ को कितना भी सीधा कोशिश कर लोगे, अगर डाइस मिले तो डाइस मुड़ जाता है, बोलते हैं ये वही चीज़ है। ये फिजिक्स का वही पार्ट डिस्कस कर रहा है कि यहाँ पे ये जो लेंथ है ना, इसके अंदर नेचुरल प्रॉपर्टी है कुत्ते क्या करने का, बेंड करने का। तुम इसके साथ दो ऑब्जेक्ट को जोड़ दोगे तो बेंड करने का आपस में क्या आएगा, एक दूसरे के करीब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, करीब आ जाएगा। तो ये वही चीज़ बता रहा है, इसको लिखा है स्टेटमेंट में पहली बार देख रहे हो, शायद ही किसी बुक में मिले या नहीं भी मिले, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द लाइंस ऑफ फोर्स टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लॉन्ग टर्म में भी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और बोला है लेंथ वाइज डैट इज डिपोजेज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब ये हो गया कि इसका लेंथ पर मीटर पे क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, एज सोन इन फिगर, जो हम तुमको यहाँ पे दिखा दिए, वहाँ पे नहीं दिखाया, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द टू अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और इस चीज़ की वजह से दो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो अगर स्टेटमेंट में अगर आज के बाद पूछा कि दो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट क्यों करता है, तो उसके पीछे एक स्टेटमेंट ये आएगा, सबसे बड़ा स्टेटमेंट ये आएगा। इसके साथ अगर और कोई होगा तो दूसरा रीज़न होगा स्टेबिलिटी, दोनों दे देगा तो दोनों राइट होगा। स्टेबिलिटी की वजह से भी क्या है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। कूलम्स लॉ के हिसाब से भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, बहुत सारे रीज़न अट्रैक्ट करने का, बात समझ ना। ठीक है, अगर तीनों आएगा तो तीनों ऑप्शन राइट होगा, अलग अलग होगा तो फोर्स वाला सब जानता है, स्टेबिलिटी वाला सब जानता है, ये वाला शायद ही को जानता हो, इसको मैं बता दी, क्लियर हो गया, चलो आ जाओ। अब इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे, नंबर सिक्स, द लाइंस ऑफ फोर्स टेंड टू एग्जर्ट लेटरल साइड वे प्रेशर डेट दे आर रिपेल ईच अदर। ये वही वाला चीज़ आ गया लाइक चार्ज के लिए, लाइक चार्ज में क्या होता है, रिपेल करता है, क्योंकि इसका लेटरल प्रेशर बाहर की तरफ आता है, जो ये पहले पढ़े ये उसका उल्टा वाला पोर्शन है। ठीक है, मतलब ये वो चीज़ है कि तुम जो वस्ते किसी चीज़ को क्या कर दिए, खोल के रख दिए हो, पहले टान रहा था, अब क्या है, अब ऐसे प्रेस करके रख दिए हो, लेकिन क्या कर रहा है वो, तो ये डिपेंड करता है लाइंस ऑफ फोर्स के मटेरियल पे। जो लाइंस ऑफ फोर्स लाइक चार्ज का होता है वो एक्सपेंड करता है, और जो लाइंस ऑफ फोर्स अनलाइक चार्ज का होता है क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बेसिस पे ये होता रहता है। ठीक है, आ जाओ अब देखते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डिफरेंस, ये डिफरेंस हम दिखा देते हैं तुम लोग को और समझो। ये क्या था, नेगेटिव डाइपोल, ये क्या था, चलो पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ पे कौन आएगा सर, नॉर्थ डाइपोल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेकिन ये एज अ सिंगल मॉलिक्यूल, ये अलग अलग यहाँ पे पहला। अब उसमें से क्या हो, याद है ना, नॉर्थ पोल से क्या निकल रहा था, सब पॉजिटिव से क्या निकल रहा था, लाइन्स ऑफ फोर्स परपेंडिकुलरली, और कहाँ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई परपेंडिकुलर नहीं निकल रहा है, जा तो रहा है यहाँ पे भी, लेकिन कोई परपेंडिकुलर कंसेप्ट नहीं है, क्लियर है, पहला डिफरेंस निकल गया, कोई दिक्कत है। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे पॉजिटिव से क्या नेगेटिव, पॉजिटिव से क्या नेगेटिव, पॉजिटिव से क्या नेगेटिव, गौर करो, वन डायरेक्शनल कर्व है, गया गया और गया, लेकिन यहाँ कुछ देखो ऐसा हो रहा है, जा रहा है और वापस इसमें। अब इसमें होता है ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे ये इंटरनल बात होगी ना, इसके अंदर गया, ये अलग अलग नहीं है कि जाके ख़त्म, कनेक्टेड है। तो इसमें क्या होता है कि लाइन सफर्स नॉर्थ से आउट करता है, साउथ में क्या करता है, इन करता है, यहाँ पे क्लोज वर्टेक्स बनता है, मतलब कि क्लोज कर्व बनता है। बाहर में डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ, अंदर में डायरेक्शन क्या है, लेकिन लेफ्ट स्टडीज में ऐसा नहीं था, तुम बाहर अंदर का शिफ्ट नहीं है, ओपन कर्व था, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में सिर्फ एक डायरेक्शन है, क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में क्या है, दो डायरेक्शन में, बाहर में क्या है, आउटसाइड में क्या है, बोलो, हाँ आउटसाइड में क्या है, आउटसाइड में है नॉर्थ टू साउथ, किसका डायरेक्शन दिखा रहे हैं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का, और अंदर में क्या है, इनसाइड में, साइड में है साउथ टू नॉर्थ। तो हुआ ना टू डायरेक्शन कर्व, टू डायरेक्शनल कर्व, ठीक है। और ये क्या हुआ, वन डायरेक्शन कर्व, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन वर्टेक्स, इसको बोलते हैं क्या, क्लोज वर्टेक्स, ठीक है। अच्छा और तो कुछ नहीं होगा, और ये चीज़ देख लें कि इसके मटेरियल के अंदर भी फील्ड है, गौर करो, एक मटेरियल हो गया ना, मटेरियल के अंदर फील्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था कि अगर कोई भी कंडक्टर या कोई बॉडी है तो उसके अंडर से फील्ड नहीं जाएगा, ये स्पेशल प्रॉपर्टी था, और हम फोर्थ नंबर पे पढ़ाए थे इसको कि एक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अगर पास करें तो वो ऐसे जा करके परपेंडिकुलरली जाएगा, परपेंडिकुलरली निकल जाएगा, है ना, परपेंडिकुलरली जाएगा, परपेंडिकुलरली, लेकिन कंडक्टर के अंदर से नहीं जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, मटेरियल के अंदर भी फील्ड है, मटेरियल के कितना डिफरेंस बताया, पहला क्या था, परपेंडिकुलरली आउट और इन नहीं करेगा, दूसरा क्या था, हाँ ओपन वर्टेक्स और क्लोज वर्टेक्स है, मतलब कि इसमें वन डायरेक्शन कर्व है, इसमें टू डायरेक्शन कर्व है, तीसरा क्या है सर, हाँ इसमें इनसाइड द मटेरियल को इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास नहीं करता है, इसमें क्या कर जाता है, उस बॉडी से पास कर जाता है, क्लियर है। चलो ये देखो, ये चीज़ को यहाँ पे लिख दी है बोर्ड्स के हिसाब से, इसको तुम नोट मार लोगे।